शर्म आ रही है क्या आपको? आ रही है क्या? आ रही है पर बोल रहे नहीं है। ये देखो, ये रे कैमरामैन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज हम खा रहे हैं सुबह सुबह लकड़ी, क्योंकि हमें नहीं मिली चाय। ये लकड़ी कौन सी वाली है? कौन सी वाली है बच्चों? जो अपन कुछ खाने के बाद होते तो मैं करते ना, साफ करते हैं वो। तो हम लकड़ी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें मॉर्निंग को चाय नहीं मिली, तो फिर कुछ खाना जरूरी है ना। सुबह सुबह कहीं भी जाए तो थोड़ा कुछ खा के निकलना चाहिए। इससे क्या रहता है, 6:30 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, 6:30 तो अभी बज रहे हैं। हम निकल गए थे 4:30 या 5 के लगभग। तो अभी हम हैं प्रेजेंट में मुकेश के ससुराल। कैसे हो? बढ़िया एकदम। हाय तो कर दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप नहीं खा रहे क्या लकड़ी? हम तो खा रहे हैं भाई, ये सासरी में चाय पीऊंगा। गाइस टाइम लग जाएगा, चाय वाई कुछ नहीं पिएंगे। हाँ टाइम लग जाएगा, चाय रास्ते में पी लेंगे। तो गाइज हाँ बता देते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं प्री वेडिंग शूट के लिए जयपुर। तो प्री वेडिंग शूट है भाभी और भैया का। जयपुर तो हम बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं। प्री वेडिंग शूट हमने देखा है लोगों को करते हुए, लेकिन आज हम खुद करेंगे। और तो चलो चलते हैं घर पर, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ ना। तो गाइज अभी निकल चुके हैं लकड़ी खाते खाते, और मनीषा और मनीषा की बहन को पिक कर लिया है। हाय कर दो। हेलो कर दो भाभी जी। हेलो। और ये इसने भाभी को देखा, चश्मा लगा के हीरो बन गए। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे जयपुर। जयपुर में कोई अच्छी सी लोकेशन देखेंगे, जहाँ पे सारी लोकेशन एक जगह हो, वहाँ पे जाकर प्री वेडिंग करेंगे। और अभी तुम देखने लग जाओ प्री वेडिंग के लिए कोई अच्छी अच्छी क्लिप्स। आज पहली बार इसका शूट होगा, वरना ये करता है। आज पहली बार सही है। ठीक है तो चल ले। कहाँ चले? जयपुर प्री वेडिंग शूट। लकड़ी कितनी खाली? मैं आई तब से लकड़ी खाली। ऐसे गाड़ी में ना जी घबराने लग जाते हैं, ये खा लेते हैं। तो अभी तो नाश्ता कर लिए। तो गाइस क्या है कि पायल का कहना है कि लकड़ी खाने से वोमिटिंग नहीं होती। तो बोल रही तुम बोल रही हो ना कि ऐसे खाने, ऐसे रहने से जी घबराने लगता है, लकड़ी खाने से जी नहीं घबराता। तो ऐसे करेंगे वो लकड़ी लागी तो बड़ी वाली लकड़ी होती ना, वो ला देंगे, वो खाते रहना। फिर आपका भी घबराता है क्या? इनको भी दे देते लकड़ी। हाँ सभी को दे दो। लकड़ी गाड़ी में रखते है यदि बहुत सारी है। तो चले लोकेशन पे चलते है। घर से निकले हुए तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हमने भाई को पिक किया है, सुरेश भाई को। इनको वैसे हम बोलते हैं सुरेश ड्रोन। क्यों आपको सुरेश ड्रोन क्यों बोलते हैं? ड्रोन उड़ाने के चक्कर में। क्यों भाई? सुरेश नाम है इनका सुरेश, और ये ड्रोन उड़ाते हैं। अभी हम रुके हैं सिक्कर में, यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि 300 किलोमीटर के लगभग मैंने कार चला ली है, तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। क्या पियोगे पायल? इधर आओ। क्या पियोगे पायल? क्या पियोगे? क्यों? जूस, स्लाइस, माजा? ठीक है, पायल तो कुछ नहीं पिएगी, सिर्फ हमें देखेगी पीते हुए को, है ना? ठीक है, हाँ पी लेंगे पी लेंगे। ये है हमारे उल्टी वाले दीदी जी। आज है ना सिर्फ इनके उल्टी हो रही है, किसी के भी नहीं हो रही। और ये भाभी जी चाय पियोगी कॉफी? कुछ नहीं, ये हमारी तरह कुछ नहीं पियेंगे। और आप क्या पियोगे पूजा दीदी? कुछ नहीं, चाय सॉरी। थोड़ी देर में जाएंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर होगी गाड़ी में बैठे बैठे हुए। तो रुका, तब मन ऐसा कर रहा था कि ब्रेक लेते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं द फोटो फ्रेम लोकेशन, वो पीछे की साइड आपको दिखाई दे रही होगी। एंड ये सभी परेशान हो चुके हैं, परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने 417 किलोमीटर गाड़ी को रनिंग की है। और अभी कुछ खाने को देखेंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे देसी ढाबा मिला है, यहाँ पर खाना खाएंगे और पेट पूजा करेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्या ऑपरेशन हो गया? सही है, परेशान नहीं हुए? आग तो हो गया।
वो लोग कहाँ रुके, बाहर की साइड रुके। गाइस खाना आ चुका है, ये सभी खाने पे बैठ चुके हैं। बस हमने यहाँ से ये क्या है रायता, ये दही फ्राई, ये दही फ्राई और ये हमने थोड़ी लिए आलू की सब्जी। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा पर ये बोल रहे जबरदस्ती खाना पड़ेगा क्योंकि हमारी तो उल्टी हो रही है। और दीदी को दिखाती हूँ, दीदी वहाँ पे अभी तक उल्टी कर रही है। देखो ये देखो ये रे उल्टी हो रही है, नहीं खाना हमें खाना। और जो हम जहाँ पे हम लोकेशन पे जाएंगे वो लोकेशन यहाँ पे पास में ही है, वो सामने ही है। और जिस होटल में हम रुके हैं वो यहाँ पे भी है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जाते ही वहाँ पे शूट स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद में, बाय बाय। लोकेशन पे आ चुके हैं एंड कार को वहाँ पे छाया में पार्क कर दिया है और ये लोग लग गए हैं फोटो शूट पे। फोटो शूट कर रहे हो क्या? तो प्री वेडिंग कौन करेगा फिर? आ जाओ जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं, धूप है। पहले मैंने सोचा कि अंदर अंदर का कर लेते हैं फिर बाहर का कर लेंगे शाम को, क्योंकि धूप में अच्छे से होगा नहीं। शाम को अंदर का कर लेंगे, नहीं नहीं शाम को बाहर का कर लेंगे और अभी अंदर का कर लेंगे। अभी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। गाइस यहां पर हम रेडी होंगे, हम तो नहीं होंगे, भाभी को रेडी करेंगे और भैया वाले सामान ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। भाभी को रेडी करने के बाद में हमारा प्री वेडिंग का शूट शुरू हो जाएगा और फिर आपको हम धीरे धीरे दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे तो हमें पता नहीं, क्योंकि शूट जो करने वाले हैं वो भैया ही करेंगे। गाइस कैमरा ऑन हो चुका है, मुझे पता ही नहीं कैमरा ऑन है। देखो रेडी हो चुके हैं, मतलब सीन डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये देखो कैसे बैठे हैं, ऐसे कैसे बैठे हो? हाँ गाइज बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि ड्राइविंग ये कर रहे हैं, हम तो सो रहे थे रास्ते में। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं सीन क्या होता है इनका, बाद में दिखाएंगे आपको क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो गाइज उधर उनका सूट चल रहा है, पहले उनका यहाँ पे सूट था, यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, अब आपको वहाँ पे सूट दिखाती हूँ। देखो वो देखो बोरा उनका सूट चल रहा है पीछे, पहले तो मैंने सीन बताया था कि ऐसे कर लो। देखते हैं भाभी जी से पूछते हैं, भाभी शर्म आ रही है क्या आपको? आ रही है क्या? आ रही है पर बोल रहे नहीं है। मुकेश भैया से पूछते हैं, मुकेश भैया शर्म आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही क्या? चलो कोई बात नहीं, शर्म नहीं आ रही। और वो देखो उनका फोटो शूट उधर चल रहा है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। और राहुल भैया तो अंदर आ रहे नहीं है क्योंकि उनको शर्म आ रही है सभी की। तो सीन स्टार्ट हो रहा है, देख लो गाइस आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये रे कैमरामैन। तो अब मिलते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं कौन सी होती है, ठीक है। दूसरी लोकेशन पे चल रहे हैं, पहले ये देख लो। हेलो गाइस कैसे हो? कैसे हो पड़े हैं? वो क्या हुआ कि वो मनीषा मुझसे थोड़ी शर्माती है, नहीं नहीं अभी मुझसे तो क्या शर्माती है, अभी नहीं नहीं ना तो सभी से शर्माती है। तो जितना कम लोग उसके पास होंगे ना तब ज्यादा सही होगा, उतना अच्छा करेगी उतनी आसानी से होगा। हाँ। और हम तीन चार दिन हैं उसके पास रहेंगे ना तो वो अच्छे से कर नहीं पाएगी। चलो तो कोई ना, इसलिए मैं तो चाहता हूँ अच्छा सूट हो, इसलिए साइड में मैं तो मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कार भी चलानी, इसलिए रेस्ट भी जरूरी है। सही है सही है, 17 किलोमीटर कार चलाई मैंने। वाओ कितनी अच्छी बात है, वो जा रहे देखो, अरे दिख रहे नहीं है। चलो कोई ना अपन चल लेते हैं वहाँ पे। मैं तीसरी बार आई हूँ और भाभी वाले फर्स्ट टाइम आई है। कलर बम यही पहले क्या नहीं गया? हाँ, गन भी लेके जो गन सेल, और कलर बम है ना? हाँ, उसमें सेल नहीं है एक में तो। चलो ठीक है, तो पहले कलर बम लेके आते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो कलर बम मेकअप रूम में पड़े हैं और बंदूक है जो गाड़ी में पड़ी है। चलो अब क्या सीन है, चलो कोई बात नहीं गाइस। इनका ये इनको शर्म आती है तो अपन थोड़ी देर व्लॉग बंद करते हैं और अगली लोकेशन पे मिलते हैं, ठीक है। व्लॉग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दिखाएंगे गाइस आपको भी दिखाएंगे सारा सीन। सामने फेस रख करो करो, ये देखो कैमरा मैन जो सीन बता रहे हैं इनको। भाभी कहाँ गई, दिख रहे नहीं? स्टार्ट स्टार्ट। ओए होए क्या बात है, शर्मा गई मैं, हाय हाय। ओ शर्म तो आ रही है लेकिन गाइस शर्माना नहीं चाहिए, वैसे नहीं शर्माना चाहिए ना, बताओ नहीं शर्माना चाहिए ना, जोर से बोलो तो। नहीं खाना खाया भाई, जोर से बोलो, आप भी बोलो नहीं शर्माना चाहिए, आप भी मत शर्माना, ठीक है कभी भी।
तो गाइस देखो अब नेक्स्ट लोकेशन में मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है हमारी। उनको गए बहुत देर हो गई और मैं रेस्ट करता करता परेशान हो गया, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। तो वो लोग आ चुके हैं अभी न्यू लोकेशन पे, अलग लोकेशन पे आ चुके हैं, तो क्या सीन चल रहा देखते हैं। क्योंकि मैं आता हूँ तो इनको शर्म आती, तो मैं बार बार नहीं आऊँगा, तो एक बार मैं शूट कर रही शूट आपको दिखा देता हूँ कैसा शूट है कैसा नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ अच्छा, तो गेम्बल लेके आ रहा हूँ मैं, तो चाय भी ठंडी हो रही है मेरी, तो गेम्बल ले रही है, तो इस गेम्बल से शूट करेंगे। वो टाइम लग जाएगा यानी एक दो घंटे में, एक ड्रेस में तीन चार सूट हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी वजह से जल्दी करना पड़ रहा है। ये लो भाई गिम्बल, ठीक है तो थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो देखो वो रहा, वो चल रहा प्री वेडिंग सूट। तो गाइस अभी दूसरा सूट चल रहा है, दूसरी ड्रेस में मैंने ड्रोन पकड़ रखा है। ड्रेस वही है अच्छे से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता कर गया था, ड्रेस वही है। तो गाइस पीछे देखो, पीछे उनका सूट चल रहा है, वो आ रहे हैं दौड़ कर अच्छे से। मुकेश को दौड़ना नहीं आ रहा क्योंकि पहली बार शूटिंग में आ रहा है, वरना ये कैमरा चलाता है हर बार। यहाँ पे सबसे बेस्ट व्यू ये है, यहाँ का सीन कैसा है, यहाँ का व्यू कैसा है? सच में बहुत अच्छा है, मेरे को सामान देखो कितना है। तुम सामान लोड करने के लिए हो? तो गाइस यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है, पीछे फिल्म शूट कर रहे हैं, पीछे की ओर पानी तालाब भरा हुआ बहुत ज्यादा, और यहाँ पे सीन बहुत जबरदस्त आ रहा है सच में। एक बार आप देखो कितना प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हमें जल्दी सीन करना है और जल्दी शूट करना है। जल्दी शूट करेंगे ना तो हमारा लगभग काम हो जाएगा, वरना आधा अधूरा रह जाएगा। लेट हो रहे हैं ना अपन, घर पे भी तो जाना है। तो वो सीन देखो कितना प्यारा सीन आ रहा है, सीन बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारा। वो देखो प्री वेडिंग शूट चल रहा है, कैसा चल रहा है? अच्छा क्या लग रहा है मुझे तो सबसे ज्यादा ये, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना गाइस, ये प्री वेडिंग की वीडियो अपलोड कर देंगे, वो आप अलग से देखना। स्टार्ट भाई, स्टार्ट कैमरा ना, स्माइल फाइल बता रही है, स्माइल स्माइल, गो 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 गो। कहाँ जा रहे हैं? हाँ मेरे बैग के अंदर है, तो दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जल्दी करना पड़ेगा। पूजा जी कैसे हो? हाय तो कर दो। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? सबसे ज्यादा किसकी वीडियो अच्छी लगती है? बोलो मेरे, सभी के अच्छे लगते। सामने हो सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगती है? एक किसी की बताओ, मेरा नाम ले लो कोई ना। इसको तो तुम्हें तो आज फॉलो किया इन्होंने। हां ये बहुत टोकी वाली बात की है इन्होंने मेरे सामने, वो भी पता नहीं था। चलो हम प्री वेडिंग शूट करके आ चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हम आपको बताना भूल गए थे, और अंधेरा भी हो गया था, हम लेट भी हो रहे थे। तो अभी लगी है भूख, तो कुछ खाने के लिए है। क्या हुआ गाइस, शादी का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, आपको पता ना 12, 13, 14, 15, 16 को प्रोग्राम रहेगा, तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। एक दिन के अंदर हमने प्री वेडिंग की है, एक दिन के अंदर कैसे नहीं कह सकते, और हम लगभग मैंने 800-900 किलोमीटर गाड़ी चलाई गाइस, हो जाएंगे टोटल फ्लाई नहीं हो जाएंगे, घर पहुँचूंगा तब तक 800-900 किलोमीटर बहुत मुश्किल है। तो पहले कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया गाइस, आज मैं आपको इन लोगों की असलियत बताता हूँ गाइस। ये देखो मुझे, मैं अकेला कार चला रहा हूँ, और ये देखो आराम से कैसे सो रहे हैं, जैसे घर पे सो रहे हैं। बहुत गलत किया इन लोगों ने मेरे साथ गाइस, आज सभी सो रहे हैं आराम से, है ना भाई? मेरे को सूट गया। सब सो रहे हैं, ऐसा कोई किसी के साथ करता है क्या? इनसे ज़्यादा परेशान तो मैं हुआ, कितना ड्राइव किया मैंने, पूरे सो रहे हैं, कोई ना सोने दो। घर पे पहुंच चुके हैं एंड शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और नींद भी बहुत ज़्यादा है मेरी, तो अभी जो भी सामान ले गए थे वो वापस उतार रहे हैं। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसलिए पहले करूँगा रेस्ट, उसके बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है बाय बाय, मिलते हैं शादी में, शादी से पहले मिलेंगे, ठीक है सामान उतार लेते हैं, मिलते बाद में, बाय बाय।